ये भी चेक करेंगे कि जो ट्रांसमीटर है और ये जो रिसीवर है, तो इसमें जो नॉइस कैंसिलेशन कितना करता है, ये कितनी विंड ब्लास्ट को कम करता है और मेरी वॉइस को कितना क्लियर रखता है, तब हम वो चेक करेंगे। धीरे धीरे पीछे जाता हूँ, रिसीवर है डी जे आई का, वो है -8 dB पे, मैंने उसका गेन सेट किया हुआ है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि डीजे माइक के रिसीवर के क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है। तो ये एक छोटा सा डिस्प्ले है, ये टच स्क्रीन डिस्प्ले है, इससे आप टच से इसमें एडजस्ट कर सकते हो सेटिंग्स अपने। और ये जो है पावर ऑन ऑफ स्विच बटन, 2-3 सेकंड दबाओगे तो पावर ऑन होगा और 2-3 सेकंड के लिए दबाओगे तो पावर ऑफ होगा। और ये है चार्जिंग स्लॉट जो कि सी टाइप है, तो इसके लिए एक अलग से केबल आया हुआ है। और ये आउट पिन है, जो आउट पिन है 3.5 mm का TRS जैक रहेगा, जो एक स्लॉट इस साइड लगेगा और एक जैक जो है वो आपके कैमरा की तरफ लगेगा। तो आपकी जो भी ट्रांसमीटर के थ्रू रिसीवर में रिकॉर्डिंग आएगी वो सीधा कैमरा में चली जाएगी। और ये जो हेडफोन का सिंबल दिया हुआ है, यहाँ पे हेडफोन का सिंबल इसलिए दिया हुआ है कि यहाँ पे आप डायरेक्ट हेडफोन को लगा के अपनी जो वॉइस है उसको आप सुन सकते हो कि वो वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है और प्रॉपर वॉइस है कि नहीं। इस वजह से इन्होंने ये दो ऑप्शन दिए हैं, यहाँ से डायरेक्ट कैमरा में चले जाएगा और यहाँ पे खुद के आप हेडफोन पे लगा के देख सकते हो कि वॉइस कितनी क्लियर आ रही है। और ये जो है यहाँ पे जो आपको चार डॉट दिख रहे हैं, ये यहाँ से एक चार्जिंग केस आता है, तो ये चार्जिंग केस में जब आप ऐसे लगाओगे स्लॉट के अंदर तो ये यहाँ से चार्ज करेगा। तो अभी हमने क्या सिंगल ट्रांसमीटर और सिंगल रिसीवर वाला DJI माइक मंगाया, तो इसमें हमें केस नहीं मिला है, तो हमें इसको यहाँ से ही चार्ज करना पड़ेगा। अगर इन फ्यूचर अगर आप केस लेते हो तो आपका यहाँ से भी चार्जिंग हो जाएगा। और ये जो यहाँ पे इन्होंने एरो और यहाँ पे कुछ डॉट्स दिए हुए हैं, ये इसलिए दिए हुए हैं कि अगर आपका समझ लो कि कोई एंड्रॉयड फ़ोन है या आपका कोई ऐसा एक्शन कैमरा है जिसमें 3.5 mm का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट उसमें क्या कर सकते हो, उसके अंदर आप सीधा एक ऐसा कनेक्टर दिया हुआ है, तो ये जो है सी टाइप का कनेक्टर है, तो ये सीधा इस स्लॉट में बैठ जाएगा। तो आप ये देख सकते हो इसमें ये एक एरो दिया हुआ है और इसमें भी एक एरो दिया है, तो आपको इस तरह से इसमें बिठाना है। जैसे आप इसके अंदर बिठाओगे तो ये इसके अंदर टिक करके ऐसी आवाज आएगी, इसका मतलब ये बैठ गया। और ये जो पार्ट है ये आपका एंड्रॉयड फ़ोन के सी टाइप के जो एडाप्टर है उसमें चले जाएगा, या तो आपका कोई एक्शन कैमरा होगा जिसमें सी टाइप का ऑप्शन देगा तो उसमें चले जाएगा ये। तो ये इस तरह से फिर इसको दबा के निकालोगे तो ये इस तरह से बाहर भी आ जाएगा। तो इसी तरह इन्होंने आईफोन के लिए भी एक एडाप्टर दिया हुआ है जो लाइटनिंग एडाप्टर कहते हैं इसे, तो इसमें भी एरो दिया और ये भी एरो दिया, तो इस तरह से आप इसमें अंदर स्लॉट में डाल के और आईफोन में लगा के यूज़ कर सकते हो। तो अभी चलिए हम इसे ऑन करते हैं और आपको बताते हैं कि इसके अंदर क्या क्या सेटिंग्स है। तो जैसे आपको 2-3 सेकंड्स के लिए दबाओगे तो इसमें DJI की ब्रांडिंग आएगी, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऊपर जो M-8 और बैटरी का जो ऑप्शन दिया हुआ है ये इस रिसीवर का है, ये रिसीवर का ये गेन सेट है। और M यानी क्या होता है, मोनो। जैसे देख सकते हो आपका रिकॉर्डिंग टाइप कैसा है, ये मोनो है, मोनो सेफ्टी चैनल है और स्टीरियो टाइप है, तो हमने यहाँ पे मोनो रखा है इसके लिए यहाँ पे ये मोनो आ रहा है। और ये -8 इसका गेन है, तो आप जैसे कि सेकंड ऑप्शन में जाओगे तो ये रिसीवर गेन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे -8 लिखा हुआ है। अभी इसको मैं 0 करता हूँ तो आप देखना वहाँ पे भी 0 हो जाएगा, तो ये यहाँ पे 0 हो गया तो ये दिख नहीं रहा है। अगर इसको आप वापस दोबारा से गेन को सेट करोगे कुछ हम 1 करके 2-3 करके देखते हैं, तो जैसे आप ये सेट करोगे तो यहाँ पे पता चलेगा कि अभी रिसीवर की क्या गेन चल रही है। और ये मोनो सेटिंग है इसकी, तो ये अभी -1 हो गया, ये 0 हो गया,
तब जैसे जीरो करोगे तो यहाँ पे जीरो हट जाएगा, और ये इसका बैटरी स्टेटस बताता है। अब नीचे आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे इन्होंने एक बैटरी का और ऑप्शन दिया हुआ है, और ये माइक जो माइक स्पीकर जो है इसके ऊपर कैंसिल आ रहा है, और नीचे ये जो स्टेटस बार है इस पर कुछ भी नहीं आ रहा। तो ये एक्चुअली क्या है, ये जो ट्रांसमीटर का डाटा है, ये ऊपर जो रिसीवर का डाटा है और नीचे ट्रांसमीटर का डाटा है। तो चलिए पहले हम सेटिंग्स देख लेते हैं। तो आपने देख लिया यहाँ पे जो माइक की रिकॉर्डिंग होगी वो मोनो टाइप होगी कि स्टीरियो टाइप होगी कि मोनो सेफ्टी चैनल टाइप होगी। तो हम इसे क्या मोनो टाइप ही रखते हैं, और इसमें ट्रांसमीटर रिसीवर लेफ्ट और राइट का ऑप्शन है, लेकिन सिंगल ट्रांसमीटर इसके हम इसको यूज़ नहीं कर सकते अभी। और ये जो रिसीवर गेन है, जो ये आपका ये रिसीवर है उसका गेन सेटिंग है। अगर आप गेन -12 dB रखोगे तो आपकी सराउंडिंग की नॉइस बहुत ही कम हो जाएगी, और इसको आप ज़ीरो करोगे तो ये जो आपका ओवरऑल जो सराउंडिंग में नॉइस आ रहा है उसको भी कैप्चर करेगा और आपकी वॉइस को भी कैप्चर करेगा। तो ये रिसीवर गेन है, और ये वॉल्यूम है जो आप माइक अपने उसमें लगाओगे। जब आप अपने हेडफोन पे हेडफोन यूज़ करोगे तो उस हेडफोन की जो वॉइस है वो है यहाँ पे। और ये जो है ट्रांसमीटर की सेटिंग, अब ये जो मैंने यहाँ पे ट्रांसमीटर रखा हुआ है, इस ट्रांसमीटर की सेटिंग है, ये इसका लो कट है, ऑन या ऑफ आपको जो भी रखना है रख सकते हो, तो मैं इसे ऑन ही रखूँगा। और इसमें भी देखो आप ट्रांसमीटर गेन दिया हुआ है। तो ये अभी TX1 और TX2, अभी आप डाउट कर रहे होंगे कि TX1 TX2 तो क्या है, तो इसमें क्या दो ट्रांसमीटर को भी आप कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन हमने परचेस एक वाला ही किया है तो कोई भी एक मिल सकता है आपको। तो इसमें मुझे TX2 मिला है, तो इसमें TX2 में आपको देखो -12 dB दिखा रहा है, तभी -12 dB दिखा रहा है। तो इसको मैं अगर ज़ीरो करता हूँ तो ये इस तरह से ज़ीरो हो जाएगा, और ये आपका ट्रांसमीटर 2 भी हो गया है। और ये रिकॉर्डिंग स्टॉप लॉक है कि यहाँ पे एक जब आप वो ऑप्शन में बताऊंगा, जब वो ऑप्शन आता है तो आप रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ कर सकते हो वहाँ से जाके, तो वो उसका ऑप्शन है। और ये ऑटो रिकॉर्ड, ऑटो रिकॉर्ड का मतलब ये है कि आपका जो ये जो DJI का जो ट्रांसमीटर है, इसके अंदर क्या होता है कि आपका एक रिकॉर्डिंग ऑप्शन होता है, अगर आपका ये रिसीवर अगर बंद हो गया तो वो ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग उसमें चालू हो जाएगी, क्योंकि उसमें 8 GB की, तो वो भी आपको हम बताएंगे। ये वाइब्रेशन नोटिफिकेशंस, अगर आप ऑन ऑफ करते हो, रिकॉर्डिंग स्टार्ट स्टॉप करते हो, तो ये आपको वाइब्रेट करेगा। और प्लस ये आपकी LED की ब्राइटनेस है, लो रखना है, ऑफ रखना है, हाई रखना है, तो इसमें ये तीन ऑप्शन है। तो इस तरह से इन्होंने ये ऑप्शन दिया हुआ है ट्रांसमीटर का। और ये है सेटिंग्स ब्राइटनेस की। लिंक डिवाइस, लिंक डिवाइस क्या होता है कि आपको ट्रांसमीटर और रिसीवर को जब लिंक करना है तो उसके लिए दिया हुआ ये ट्रांसमीटर 1 ट्रांसमीटर 2, जो भी आपका होगा वो लिंक हो जाएगा इसके साथ। और ये ब्राइटनेस है किसकी, इसकी रिसीवर की ब्राइटनेस है। और ये जो है आपका लैंग्वेज सिलेक्शन है, मैंने इंग्लिश रखा हुआ है, आप जो भी कंट्री में होंगे उस कंट्री का आप रख सकते हो। ये डेट टाइम सेटिंग है, यहाँ पे डेट और टाइम को आप सेट कर सकते हो, ईयर को सेट कर सकते हो। ये फैक्ट्री रीसेट है, और ये आपका वर्जन दिया हुआ है कि कौन से वर्जन का है, कौन सा फर्मवेयर है। ये सीरियल नंबर हो गया, ये आपका फर्मवेयर हो गया, ये आपका ट्रांसमीटर वर्जन। ट्रांसमीटर वर्जन कब बताएगा, जब आप उसके साथ कनेक्ट करोगे तब वो बताएगा। और ये कंप्लायंस इन्फॉर्मेशंस है, ये देख सकते हो इसमें मॉडल नंबर दिया हुआ है, FCC ID दिया हुआ है, और इसके कुछ सर्टिफिकेशन से वो दिया हुआ है। तो चलिए अभी हम इसको ऑन करते हैं ट्रांसमीटर को। तो जैसे ट्रांसमीटर ऑन करोगे तो यहाँ पे कुछ स्टेटस बार भी आएगा, और ये कैंसिलेशन जो हो रहा है वो भी निकल जाएगा, जैसे ये कैंसिल आ रहा है माइक पे वो भी निकल जाएगा, और यहाँ पे बैटरी स्टेटस भी आएगा। तो चलिए इसको ऑन करते हैं। तो ये है DJI का ट्रांसमीटर। अब इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे दो इंडिकेशन, लाइट इंडिकेशन दिया हुआ है, ये ग्रीन इंडिकेशन है, ये रेड इंडिकेशन है। और इस ट्रांसमीटर में भी आप देख सकते हो, इसमें एक पावर ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है, ये चार्जिंग के लिए दिया हुआ है। प्लस इसमें एक ऑप्शन और है, इस ट्रांसमीटर के अंदर 8 GB की इंटरनल मेमोरी है, तो अगर बाई चांस आपका ये रिसीवर बंद हो गया तो आप क्या कर सकते हो, इंटरनली इसमें रिकॉर्ड कर सकते हो, फिर यहाँ से ये केबल अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके आप इसकी ऑडियो फाइल निकाल सकते हो। तो ये 8 GB तक की रिकॉर्डिंग अंदर ले सकता है, और इसकी बैटरी की कैपेसिटी है 5 आवर्स, और इसकी रिसीवर की कैपेसिटी है 5.5 आवर्स। और ये जो है ये आपका इंटरनल माइक है, और ये जो है आपका एक्सटर्नल माइक होगा। तो एक्सटर्नल माइक होगा आपका वो TRS होगा, TRRS वाला मत लीजिएगा, TRS ही चलेगा। और ये आपका इंटरनल माइक है, और ये जो है आप, मैंने आपको जैसे उसमें बताया था रिसीवर में, उस तरह से इसका भी ये चार्जिंग पॉइंट्स है। तो ये जब चार्जिंग केस होता है उससे चार्ज होता है, और अगर आपके पास चार्जिंग केस नहीं है तो आप इसमें लगा के सी टाइप में चार्ज कर सकते हो। तो चलिए अब हम इसे ऑन करते हैं। तो जैसे आप ऑन करोगे तो ये 1-2 सेकंड के लिए ब्लिंक करेगा, जैसे ही वो ब्लिंक करेगा तो समझ जाओ वो लिंक नहीं हुआ है,
और जैसे ये कंटिन्यू रेड दिखाएगा तो आप समझ जाना वो लिंक कर गया। तो अभी आप देख सकते हो ये अभी हमारा रिसीवर पे दिखा रहा है, ये ट्रांसमीटर टू है, और नीचे ये जो माइक पे कैंसिलेशन था वो भी हट गया है, और ये स्टेटस बार पे आपका दिखा रहा है कि आपकी वॉइस कितनी फास्ट है, कितनी स्लो है, या कितनी तेज है या कितनी स्लो है, और यहाँ पे इसकी बैटरी स्टेटस दिखा रहा है। तो आप देखोगे जैसे ही कि मैं आपको अभी इसको मेरे मुंह के पास लाके थोड़ा ज़ोर से बोलूँगा तो अभी ये ऑरेंज और रेड तक जाएगा, तो इससे मैं पता चलेगा कि हम बहुत तेज़ी से बोल रहे हैं या बहुत स्लो बोल रहे हैं। तो हमें ये याद रखना है कि हमारा ग्रीन तक ही रहे, ग्रीन से ऊपर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आपकी वॉइस ऐसा मतलब क्रिएट अच्छी वॉइस अच्छी नहीं आएगी, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब करेगी। ठीक है, तो अब ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई है, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, नीचे से ये ऊपर ऐसे स्लाइड करोगे तो ये देखो ट्रांसमीटर टू रिकॉर्डिंग लिखा हुआ है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये रेड कलर हो जाएगा और प्लस आपका ये भी रेड कलर हो जाएगा, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, और ये जो है आपका मेमोरी दिखा रहा है ट्रांसमीटर का, जी ट्रांसमीटर में 15 आवर्स की रिकॉर्डिंग होती है और 8 GB तक की रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो मैंने इसको अभी चालू किया तो इसमें मेरे ख्याल से 12.8 आवर्स का दिखा रहा है, इसका मतलब इसमें 2.5 आवर्स की रिकॉर्डिंग होगी शायद। तो इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मेट भी आप कर सकते हो, इसके अंदर कुछ रिकॉर्डिंग होगी, और जैसे आप इसको स्टॉप करोगे तो ये रेड इंडिकेशन चले जाएगा, और साथ में ये वाइब्रेट भी होता है। जैसे आप इसको स्टार्ट करोगे, जैसे मैंने स्टार्ट किया ये वाइब्रेट हुआ अभी, और जैसे स्टॉप करोगे तो ये वाइब्रेट होता है। तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, और इस तरह से इसको यूज़ करना है। अभी हम इसको साइड में रखते हैं और आपको बताते हैं, ये जो डेड कैट है, ये डेड कैट इन्होंने इसलिए दिया हुआ है कि अगर आप कोई नॉइजी प्लेस पे जाते हो तो आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हो। तो डेड कैट को देखो, यहाँ पे इन्होंने कुछ स्लॉट टाइप दिया हुआ है, यही स्लॉट इसमें भी दिया हुआ है। तो अभी जैसे आप इसके सामने रख के ऐसे बैठाओगे, मतलब इसके सामने आपको ऐसे रखना है और बस घुमा देना है, तो ये लॉक हो जाएगा। देखिए ये लॉक हो गया, ये लॉक हो गया, अभी ये निकलेगा नहीं। तो इस तरह से ये लॉक हो जाता है, और इसे रोटेट करके निकालोगे तो ये वापस निकल भी जाता है। अब इसमें एक ये चीज़ अच्छी है कि इन्होंने एक मैग्नेट भी दिया हुआ है, तो आप अपने कॉलर पे ये क्लिप भी कर सकते हो, और प्लस आप इसे मैग्नेट भी यूज़ कर सकते हो। तो ऐसा मैग्नेट, आप ऐसा मैग्नेट लगा के भी यूज़ कर सकते हो। और ये है इसका 3.5 mm TRS to TRS जो आपका रिसीवर में लग जाता है कुछ इस तरह से, तो ये आउट में लगेगा ये, और ये आपका जो DSLR होगा उसमें कनेक्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ से ट्रांसमीटर से कुछ भी बोलोगे तो ये इसके थ्रू आपके DSLR में रिकॉर्डिंग होगी, ये भी DJI का ओरिजिनल है, तो ये इस तरह से इस पर कनेक्ट होगा। अब ये देख सकते हो ये कन्फर्म दिखा रहा है ये कि आपने डिसकनेक्ट किया हुआ है, तो ये दिखाता है आपका। और ये जो है आपका चार्जिंग केबल है, तो ये USB to C टाइप है, और ये यहाँ से इन्होंने देखो लिंक दिया हुआ है कि दोनों को एक साथ आप चार्ज कर सकते हो। तो इस तरह से लगा के आप एक इसमें लगाओगे तो ये चार्ज हो जाएगा, और एक इसको लगाओगे तो ये चार्ज हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये आप चार्जिंग कर सकते हो। और ये जो क्लिप दी हुई है इन्होंने, ये क्लिप आपकी लगेगी इसके अंदर रिसीवर में, ये क्लिप इसमें लग जाएगी और ये आपका कैमरा पे माउंट हो जाएगा, तो इससे आप कैमरा पे इस माइक को माउंट कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं आउटडोर पे और आपको दिखाते हैं कि इसकी वॉइस क्वालिटी कैसी है, और इसका कितना डिस्टेंस पे वॉइस डिस्टर्ब होता है और कट होता है, तो वो सब चीज़ें हम आपको चेक करके बताते हैं। तो जुड़िए रहिए हमारे साथ, तो चलते आउटडोर में चेक करते हैं। जो आपको वॉइस सुनाई दे रही है वो है DJI Osmo Action 3 का इंटरनल माइक है, तो इसमें आप वॉइस क्वालिटी देख सकते हो कि इसकी वॉइस क्वालिटी कैसी है। और यहाँ पे हवा भी चल रही है और सराउंडिंग में बहुत आवाज़ भी हो रही है, तो आप देख सकते हो कि मेरी आवाज़ कितनी क्लियर है और कितना विंड नॉइज़ आ रहा है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो मैंने DJI का माइक यहाँ पे लगा लिया है, तो ये DJI का ट्रांसमीटर है, और रिसीवर जो है वो आप देख सकते हो, ये रिसीवर मैंने Osmo Action 3 में इंस्टॉल कर लिया है। तो अभी मैं धीरे धीरे पीछे जाता हूँ, और इसका यही फ़ायदा है कि अगर मैं पीछे घूम के भी अगर आपसे बात करूँगा तो भी आपको क्लियर वॉइस आएगी। और मैं अभी दूर तक जाता हूँ, वहाँ पर 250 मीटर तक डिस्टेंस है वहाँ पर, तभी मैं वही चेक करते करते जाता हूँ। तो आप ये देख सकते हो मैं धीरे धीरे चल के जाता हूँ, अगर आप पीछे की तरफ भी हो जाओगे तो भी आपको वॉइस क्लियर आएगी, क्योंकि आपने DJI का ट्रांसमीटर यूज़ किया हुआ है, तो आपको मेरी वॉइस अभी क्लियर आ रही होगी। और यहाँ पे हवा भी चल रही है, तो हवा की कितनी इसमें विंड ब्लास्टिंग आ रही है वो भी आप देखो, मेरी वॉइस कितनी आ रही है वो भी आप चेक करना। तो यही देखते हैं हम अभी,
तो मैं अभी और पीछे की तरफ जाता हूँ, शायद मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी आपको। इंटरनल माइक को यूज़ करेंगे तो इंटरनल माइक में ये प्रॉब्लम आएगी कि आप जैसे ही घूमोगे तो आपकी वॉइस ब्रेक हो जाएगी और कम आएगी। तभी हम 200 250 300 मीटर तक चल के आ चुके हैं और आप वो वॉइस देख ही सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि मैं यहाँ से जब जा रहा था तो मेरा जो बैक है वो कैमरा की तरफ था, तो कुछ देर के बाद ही वॉइस में थोड़ा डिस्टर्बेंस आने लगे था, क्योंकि इस माइक में ऐसा है कि ये जो ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो आपकी वॉइस को डिस्टर्ब करेगा कुछ डिस्टेंस के बाद। तो जब मैं पहले यहाँ पे था तो इतना डिस्टर्ब नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे मेरा डिस्टेंस बढ़ते गया तो वैसे वो डिस्टर्ब होने लगी वॉइस। लेकिन जब मैं रिटर्न वहाँ से आया तो ये जो मेरा ट्रांसमीटर और रिसीवर है दोनों के बीच में मैं ऑब्जेक्ट जैसा नहीं आ रहा था, वो डायरेक्टली कनेक्टेड हो रहे थे, बीच में सिग्नल ब्रेक नहीं होता। तो बहुत दूर से ही उसकी वॉइस क्वालिटी बहुत बेटर हो गई थी, वो चीज़ आपने भी ऑब्जर्व की होगी जब मैं रिटर्न आ रहा था तभी। तो इस माइक में यही है कि अगर आप व्लॉगिंग करते हो दूर जाते हो तो आप बैक करके अगर ज़्यादा दूर गए तो वॉइस आपकी ब्रेक होगी होगी, और अगर आप ऐसे ही जाते हो कैमरा को डायरेक्ट कनेक्ट करते हुए तो आपकी वॉइस में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। तो वो चीज़ आपने देख लिया। और जो अभी मैं इसमें जो मेरा रिसीवर है DJI का, वो है -8 dB पे मैंने उसका गेन सेट किया हुआ है, और जो ट्रांसमीटर है वो -12 dB का गेन मैंने सेट किया हुआ है। जो मेरी नॉइस, जो सराउंडिंग में नॉइस आ रही है, जो विंड की आ रही है, गाड़ियों की आ रही है, तो वो उसको कम कर देगा और मेरी वॉइस को थोड़ा बेटर रखेगा, तो वो नॉइस कैंसिलेशन का काम करता है। तो आप इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहिए, और आपको अगर कुछ भी डाउट हो कैमरा के बारे में या DJI माइक के बारे में तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे, और अगर हमारे YouTube पे भी आप डालोगे कमेंट में तो हम वहाँ पे भी आपको रिप्लाई दे देंगे। और अगर आपको उसके बारे में और कुछ जानकारी लेनी हो तो उसके बारे में भी हम एक वीडियो बना के डाल सकते हैं। तो थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। तो इसी तरह प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो थैंक यू, साइन आउट।